बंद रहेगा, हम कमा रहे हैं जब तक चल रहा है, अब बारिश हो जाएगा तो भी बंद हो जाएगा, तो कोई भी रोजगार नहीं रहेगा। 8-9 महीना बाल बच्चे को छोड़कर परदेश जाते कमाते हैं, दो पैसा वही जोड़ जाड़ के इधर उधर कर। बेटा चल के देख ले, मढ़ाई है, मढ़ाई में रहती है। हाँ, कपड़ा गिर गए मढ़ाई बाटी। कपड़ा कैसे, आंधी तूफान आया तो क्या? जब बारिश का पानी भरता है तो इनके द्वार में जाता है, उनके द्वार पे जाता है, वो बोलते हैं हमारे द्वार पे मत पानी लाओ, उनके द्वार पे मत पानी लाओ, नहीं अपना पानी बांध लो, तो बताओ मैम हम लोग कहाँ पानी बांध। सब जब सरकार के यहाँ से बजट आई तब ये प्रदान दी है, अपने पास से तो दी है नहीं। नमस्कार, ग्रामीण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज हम गुलहरिया ब्लॉक के जंगल माघी गाँव में आए हुए हैं और इस गांव में हमें बहुत सारी महिलाएं नजर आईं जो हमसे बात करना चाहती थीं। इन महिलाओं की तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनकी समस्याएं क्या हैं वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं, जुड़ते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा ओम सती निषाद नाम है। अच्छा, क्या समस्याएं आपके गाँव की मुख्य रूप से हैं महिलाओं की? महिलाओं की परेशानी यही है मैम कि जो सिलेंडर की महंगाई हो गई है तो हम लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं, और चूल्हे पर ये देखिए बाग बगीचा है, लकड़ी बीन के खाना बना रहे हैं। अच्छा। और ऊपर से हमारे गांव में नाली नहीं है। नाली नहीं? हाँ, तो चलिए अभी मैं मेरे गांव देखिए गड्ढा गड्ढा खोद के सब उसी में पानी गिराते हैं। सोखता बनवा? हाँ, सोखता बनवा के, और इसे ढाका भी नहीं है मैम, खुला में है, और उसके वजह से मैम नल का भी पानी खराब हो रहा है और बच्चे पी रहे हैं, कहीं बच्चे की तबीयत खराब हो रही है मैम, कहीं हम लोग की तबीयत खराब हो रही है। तो कोरोना काल में भी जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है, उस वक्त भी आप लोग इसी तरीके से कह रहे थे? ऐसे ही चल रहे थे, क्या करें, नहीं हो पा रहा था व्यवस्था मैम। अच्छा अच्छा, अभी सरकार ने सिलेंडर के दाम थोड़े घटा दिए हैं, 200 रुपए कम हो गए हैं, क्या अभी भी आप लोग को दिक्कत हो रही है सिलेंडर भरवाने में? कहाँ मैम, 1100 रुपया है, 1100 से ऊपर है मैम, कहाँ घटा है? अभी घटा है, अभी 200 रुपए घटा है। तो क्या उतने दाम भी आप लोग पे कर पा रहे हैं सिलेंडर? तभी महंगा हो रहा है मैम ना, अब बताइए हसबैंड जी 300-250 रुपया कमा रहे हैं। तो कहते हैं आपके हस्बैंड? बस यही गरम मसाला वाला, और कोई काम है नहीं। हम लोग कहा देखिए मनरेगा चल रहा है, तो मनरेगा मैम कमा रहे हैं जब तक चल रहा है, अब बारिश हो जाएगा तो भी बंद हो जाएगा, तो कोई भी रोजगार नहीं रहेगा मैम। आपसे रिक्वेस्ट है मैम, जल्द से जल्द हम लोग के लिए कोई रोजगार का व्यवस्था करवाइएगा। हाँ जब अच्छा, एक सवाल है हमारा कि आपने बताया कि बरसात में आपके हस्बैंड को भी काम नहीं मिलता, आप कोई काम करती हैं? नहीं मैम, यही स्वयं सहायता में है, तो इसमें भी पैसा लेंगे मैम, जब कमाई रहेगा तभी ना चुका पाएंगे, उसे तो चुका नहीं पाएंगे। हाँ जैसे सरकार जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर जो हाथ हाथ उधर किसी से ले रहे हैं, 10-5 रुपए मिल रहा है, अभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो मैम हमको पैसा चाहिए ना। अच्छा, ये स्वयं सहायता समूह जो आप लोगों का है उसके तहत आप लोग क्या क्या कार्य करती हैं वो हमें खुल के बताइए। मैम अभी तो मतलब फिलहाल अभी हम लोग कहीं गए नहीं है, यहीं पर है अभी हम लोग, यहीं पर है, वहाँ पर देखिए उसका ऑफिस भी नहीं मैम बना है। अच्छा, ऑफिस भी नहीं बना है तो भाड़े पर लिए हैं, वहीं पर भाड़े पर लेके ऑफिस बना है उदय प्रेरणा। हाँ, तो वहीं पर मैम चल रहा है, बस यही पैसा लिए हैं अभी चुका रहे हैं, कोई भी रोजगार उसके तरफ से भी मैम मिला नहीं है। हाँ, उसके तरफ से कोई रोजगार नहीं मिला है, अब आगे देखिए सरकार। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके स्वयं सहायता समूह से? नहीं मैम, अभी तो हमारे यहाँ गांव से एक समूह से 15 लोग हैं। हाँ। एक समूह से 10 लोग हैं। हाँ। और यहाँ के संगठन पूरे इधर मतलब ब्लॉक का मैम यहाँ पर बना है संगठन जो था। हाँ, तो वहाँ पर बना है, तो महिला मतलब ज्यादा है मैम, महिलाएं ज्यादा हैं, लेकिन महिला यही सोचती हैं मैम अगर जो महीने में 2000-3000 का भी हम लोग को नौकरी मिल जाए, कोई मतलब रोजगार मिल जाए, तभी हम लोग हंसी खुशी से मैम अपना परिवार हम लोग जिया लेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाओं के पास करने को रोजगार नहीं है। कहना इनका ये है कि जो इनके पति हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, या मान लीजिए मनरेगा के तहत भी अगर उन्हें काम मिल जाता है, तो बरसात के समय में सारा काम ठप हो जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बरसात के समय आपने बताया कि कमाई तो हो नहीं पाती है, तो फिर घर का चूल्हा कैसे जलता है, क्योंकि लकड़ियाँ भी भीग जाती हैं, आप लोग कैसे जलाते हैं? बस यही मैम, तो क्या करते हैं, ये पलिया पलिया पात के रख लेते हैं, लकड़ी कुछ खरीद के रख लेते हैं, कुछ बीन उनके रख लेते हैं, तो हाँ, और जब ठंडी का मौसम होता है तो पुआर वगैरह बटोर के रख लेते हैं, उससे खाना बना लेते हैं, क्या करेंगे, पेट हाथ को ऐसे चलाना ही पड़ेगा मैम। देखिए, ये 21वीं सदी की महिला है जो आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं, या ये कहिए कि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर्स के दाम हालांकि अभी सरकार ने कम कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए बहुत मुश्किल होता है गैस सिलेंडर खरीदना, क्योंकि कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है, रोजगार एक बड़ी समस्या है। और भी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हैं। माता जी, कहाँ नाम है आपके? हाँ? कहाँ नाम है? नरमा। अच्छा। हाँ।
ये बताइए क्या करती हैं आप, काम करती हैं या पतिदेव हैं काम के लिए? नहीं है। अच्छा वही बार। तो घर कैसे चलता है? कैसे बताए बहनी, कैसे चलता है, कौन हालत से मन चलाएगा? घर और आवास है? नहीं बेटा, चल के देख ले, मढ़ई है। मढ़ई में रहती हैं आप? कपड़ा गिर गए मढ़ई बाटी। कपड़ा कैसे, आंधी तूफान आया तो क्या? नहीं, कपड़ा जैसे मतलब पुराना था, पुराना। अच्छा, पुराना कपड़ा घर था तो बहुत पहले का बना था, बारिश में भीगते भीगते मन गिर गया है वो। अच्छा हाँ। तो ये दिक्कत है, मतलब आपके पास आवाज भी नहीं है। गांव में और कितने ऐसे लोग होंगे लगभग जिनके पास आवाज नहीं है? आवाज है आपके यहाँ? नहीं जी नहीं। आपके यहाँ भी नहीं है? नहीं। क्या है रोजगार का साधन, क्या है रोजगार का कौन साधन? मैम, आदमी 8-9 महीना बाल बच्चे को छोड़कर परदेश जाते कमाते हैं, दो पैसा वही जोड़ जाड़ के इधर उधर करते हैं। दो तीन साल से हो रहा है, आवास अभी मिला ही नहीं। आवास आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप महिलाओं को, क्योंकि आप लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं, तो उसके तहत आप लोगों को अभी तक कुछ सहायता मिली है या नहीं मिली है? नहीं मैम, अभी कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है माता जी? मीना। मीना जी, क्या स्थिति है आपके घर की, आप भी बताइए। घर हमन के बटला नहीं है। घर नहीं है आपका? आवास योजना के तहत घर नहीं मिला आप लोग? कुछ नहीं। प्रधान जी से बोला नहीं? प्रधान जी जाना था, ये सब समय में भैया है, जे जे प्रधान रहते थे अपन अपन देहला आदमी चिन चिन। अब अभी प्रधान भैलो जब सरकार के यहाँ से बजट आई तब यो प्रधान दी है, अपने पास से तो दी है नहीं, मान लेते। हाँ हाँ माता जी, आप क्या कह रही थी बताइए। यह दिक्कत मान लो घर द्वार ना, ये लड़के दुलाइन वाला है, मराई डार के बारी सभी, और कौन दिक्कत है गांव में। हाँ लड़के, माता जी आप बताइए आपका क्या नाम है? ज्ञानमती। अच्छा क्या समस्या है? तो सीट उट धरवा देले हैं प्रधान लोग, देखो मकान उकान ना देले हैं हम के, कहाँ पतोही आई हैं तब देवे, अब दो ठो पतोही आ गए हैं, कोनो सुनवाई नहीं बाटे। अच्छा तो सरकार की तरफ से जो शौचालय योजना थी उसके तहत तो मिला होगा ना? एक ठो मिलल बा, एक ठो मिला होगा तो वो तो ठीक है। चलिए, इसके अलावा आवास आप लोग को नहीं मिला है? नहीं। रोजगार का क्या साधन है आपके यहाँ? कौन साधन भाई, अब नरेगा में जाते हैं सभी। अच्छा। हाँ। नरेगा से ठीक ठाक कमाई हो जाती है? मनोब है ना, 5 दिन भइल और तबीयत खराब रहा ले, अब अभी कर रहा था सभी। क्या हुआ, क्या हुआ? मैम हम लोग कमा रहे हैं। हाँ। इतने दिन में मैम हम लोग 5-6 हजार रुपया कमा लिए हैं आराम से। अच्छा, अच्छा खासा से परिवार चल रहा है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा कमाए, पैसा मिला, अच्छे खासा सा, मतलब सब्जी दाल सब कुछ ले आए, जो बच्चे के पास कपड़ा नहीं था उसके लिए कपड़ा लाए, कोई दिक्कत नहीं है मैम। जब तक मतलब नरेगा चलेगा और हम लोग को टाइम से पैसा भी मिलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा से आप लोग को काफी फायदा है? बहुत फायदा है मैम। जब कब तक है फायदा? जब तक बारिश नहीं होगा, और जब बारिश हो जाएगा मैम तो ड्रेन बढ़ जाएगा, ये सड़क भी नहीं पड़ पाएगी, तभी कमाई नहीं हो पाएगा। हाँ खाली बरसात की वजह से मैम दिक्कत है नहीं। अभी तो मनरेगा में जितना काम है बहुत बढ़िया, हम लोग 2-3 महीना कमाएंगे, अगर जो बारिश नहीं होगा तो, अब बारिश हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। बस यही दिक्कत है मैम। अच्छा बारिश में इसके अलावा जैसे आपने बताया कि मनरेगा का काम जो है आप लोग को नहीं मिल पाता है, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत होती है बारिश के समय में? अब मैं बाढ़ की स्थिति भी आती है क्या आपके गाँव में? नहीं मैम, वैसे ही बारिश की स्थिति तो मतलब बारिश में क्या होता है, यही जो मतलब पक्की नहीं है इसी में, हाँ रोड नहीं है मैम, इसीलिए थोड़ा कचरा बहुत हो जाता है, और नारी का जो मैम है व्यवस्था इसके लिए लफड़ा थोड़ा होता है। जब बारिश का पानी भरता है तो इनके द्वार में जाता है, उनके द्वार पे जाता है, वो बोलते हैं हमारे द्वार पे मत पानी लाओ, उनके द्वार पे मत पानी लाओ, है अपना पानी बांध लो। तो बताओ मैम हम लोग कहाँ पानी बांधेंगे, बारिश का मौसम है तो कहीं भी पानी जाएगा। तो गाँव में सबसे मुख्य जो है वो नाली की समस्या है, और मतलब जो पक्की है हो जाए मैम। नाली नहीं है मैडम, ना वो पक्का रोड है, ना आवास है, किसी किसी को है, किसी किसी को नहीं है। कोई किसी के घर में अगर 5 लड़के हैं तो एक का भी नहीं बना है, किसी के 2 हैं तो 3 हैं तो 1 बना है। अच्छा, बच्चियां इस गांव के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि इस गांव की जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं? मैं वहाँ पर 5 किलोमीटर भाटा हट जाती हैं मैं। हमारी लड़की है जैसे यहाँ पे देखिए जूनियर वाले पे 8 क्लास पास की थी, तो जाती हैं मैम। देखिए यहाँ से की है तो 9th में भाटाहाट में एडमिशन कराए थे मैम, फिर कराएंगे मतलब 10th में जाएगी। तो एक बार देखिए मैम, 2 बार मतलब मेरी बच्ची गिर गई थी साइकिल ले लेके,
एक्सीडेंट से मतलब बच गई थी। यही मैम रिक्वेस्ट है आपसे कि इस गांव में जो है एक कन्या विद्यालय हो जाना चाहिए ताकि इस गांव की जो बच्चियां हैं वो शिक्षित हो सके और उन्हें रोजगार मिल सके, वो काम कर सके। ये इस गांव के लोगों का कहना है, इस गांव की महिलाओं का कहना है। तो ऐसे और भी गाँव में हम आपको लेकर जाते रहेंगे और उस गाँव की जो समस्याएं हैं वो आपको बताते रहेंगे। बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।